बड़ी खबर, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। ये कहना है, ये बयान सामने है पवन खेड़ा की तरफ से। यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा बदलकर रख दी है। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर स्टेटमेंट, बयान पवन खेड़ा की तरफ से। भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति का की दिशा बदल दी। देश में अब राजनीति वापस वैसी नहीं हो सकती जैसे कि अब तक हो रही थी। मुद्दों पर आना पड़ेगा। आप नरेंद्र मोदी हो, आप अमित शाह हो, आप कोई हो, आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा। जो पाठ्यक्रम होता है, अब वो पाठ्यक्रम जनता तय करेगी, यह भारत जोड़ो यात्रा ने सुनिश्चित कर दिया। पाठ्यक्रम अब नागपुर से नहीं बन सकता। सीधे रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रवाना हो चुके हैं हैदराबाद के लिए। देखिए अहम बैठक होने जा रही है, 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं इसके मद्देनजर। तो क्या है प्लान इंडिया का? देखिए, ये जो 5 राज्य में चुनाव होने हैं ये निर्णायक चुनाव मानती है कांग्रेस। जहां तक सवाल है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल का, तो ऐसे में जबकि कर्नाटक में जो जीत मिली वो दक्षिण की जीत मानी जा रही है और माना यह जा रहा है कि दक्षिण के अंदर एक ज़बरदस्त पकड़ कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो ऐसे में फिर दूसरा दक्षिणी राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना में पिछले 10 सालों से के चंद्रशेखर राव अपनी BRS के साथ शासन कर रहे हैं और कांग्रेस का ये बहुत ज़बरदस्त विश्वास है कि उन्हें यहाँ ट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि तेलंगाना के गठन में सबसे निर्णायक भूमिका जो थी वो दरअसल सोनिया गांधी की थी। एक तो ये हो गया यहाँ हैदराबाद में ये बैठक कराने का। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरे प्रांगण में जो स्थल है जहाँ CWC स्थल का, वहाँ पर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए राहुल गांधी के पोस्टर्स लगाए हैं और ये दरअसल एक थीम की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक तेलंगाना जैसे राज्यों में जनता से जोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव के बारे में बात करनी है और लोकसभा चुनाव के बारे में अगर आपको बात करनी है तो फिर इंडिया अलायंस जो है उसके बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। तो आज मुद्दे में वो भी है कि ऐसे में जबकि आप लोकसभा के लिए तो साथ आ रहे हैं, विधानसभाओं में क्या होगा? आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और पंजाब में क्या होगा? कैसे अखिलेश यादव के साथ वो एका बनेगा नहीं बनेगा? तो ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या होगा, तो ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर के आज यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के यहाँ पर बैठक करेंगे। जी,